दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों हर साल जैसे ही 12th का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सर्च करना शुरू कर देते हैं यूनिवर्सिटीज को कि अब वो एडमिशन कहां लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज का चयन कर पाते हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, या फिर आप कुछ यूं कहिए कि वो ऐसे मेरिट्स में आ जाते हैं जिसके अंदर की उन्हें इजीली एडमिशन किसी भी बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका क्या ज्यादा परसेंटेज नहीं होती 12th क्लास में, और बहुत सारे अलग अलग जो अभी रिसेंट यूनिवर्सिटीज बनी हैं या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके पास एडमिशंस कम है वहां एडमिशंस उन्हें लेना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। कई यूनिवर्सिटीज फीस कम करके एडमिशन लेती है, कई यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देके एडमिशन लेती है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अपने देश में हालांकि अभी 482 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोस्तों रन करती हैं, फिर भी नई नई यूनिवर्सिटीज हर साल बनती रहती हैं। अपने देश में दोस्तों टोटल अभी एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पे आप अगर देखोगे 482 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ यूपी की, तो यूपी में ही, सिर्फ यूपी में आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए टोटल 40 यूनिवर्सिटीज अभी चल रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सिर्फ यूपी में। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज की डिमांड करते हैं कि हम उस पर वीडियो लेकर आएं। मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी अभी रिसेंट में 2023 में यूनिवर्सिटी बनी है ये, इस पर काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हमें कि हम इस पर एक वीडियो बनाएं। तो मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में आज चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से, बताएंगे आपको यूजीसी पर यूनिवर्सिटी कहां रैंक करती है, यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आप कैसे चेक करेंगे, साथ में ही यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, और भी बहुत सारी जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। ज्यादा कुछ जानने के लिए मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों हालांकि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं यूपी की अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर, आज हम बात कर रहे हैं मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में। मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी को सबसे पहले अगर हम विकिपीडिया पर सर्च करते हैं, क्योंकि हम अक्सर विकिपीडिया के बारे में भी आपको बताते हैं कि विकिपीडिया पर यूनिवर्सिटी के बारे में क्या लिखा है, तो मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में हमें विकिपीडिया पर कुछ मिला नहीं फर्स्ट पेज पर कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ मेंशन किया हो विकिपीडिया ने। तो इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की msds.ac.in, अब हम बात करते हैं पहले यूजीसी की, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती हैं वो यूजीसी से रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती है हिंदुस्तान में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है यूजीसी, और यूजीसी को रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन। आप कैसे सर्च करेंगे इस यूनिवर्सिटी को, सबसे पहले दोस्तों आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाकर नॉर्मल वे में आप लिखिए यूजीसी। अब जैसे ही यूजीसी लिखेंगे, यूजीसी लिखने के बाद नीचे जो ये वेबसाइट दिख रही है आपको www.ugc.gov.in, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जितने भी ये टैब्स बने हैं, यहाँ पर HEIS का एक आपको टैब दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे बाकी सभी तरह की यूनिवर्सिटीज के बारे में डिटेल्स आ जाएंगी। अब जैसे दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में भी यहां बात की गई है। तो आपको यहां पर जो ये स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करते हैं तो यहां पर सभी यूनिवर्सिटीज दोस्तों सामने आपके आ जाएंगी। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे हमने क्लिक किया, 482 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। नीचे आप आएंगे उत्तर प्रदेश में, तो जैसे ही आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद टोटल जो उत्तर प्रदेश में टोटल 40 यूनिवर्सिटीज की एंट्री है यूजीसी पर, यहां पर ये ले आएगा मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, 247 नंबर पर मेंशन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये कोई रैंकिंग नहीं है, अल्फाबेटिकली जैसे M है तो M के अनुसार जैसे भी 482 की लिस्ट में जहां पर M आया उसके अकॉर्डिंगली मेंशन है।
तो 247 नंबर पर मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी मेंशन है। यहाँ पर फरुखाबाद में यूनिवर्सिटी दोस्तों ये है, कानपुर रोड पड़ता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ये मेंशन है। ये सेक्शन 2F मतलब कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो यूजीसी का एक्ट है 1956 का, उसके सेक्शन 2F के तहत ही यूनिवर्सिटीज बनाई जाती है। जब भी आप दोस्तों कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल देखें, सबसे पहले ये जो लिखा ना व्यू वेबसाइट, हमेशा क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां ये लेकर जाएगा आपको। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, MSDS मतलब कि www.msds.ac.in, ये है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ से तो व्यू वेबसाइट के अलावा नीचे व्यू अदर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे बाद में आकर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी। कब बनी है यूनिवर्सिटी, 28/6/2023 मतलब जून में बनी है ये 2023 में यूनिवर्सिटी। बाकी सब डिटेल्स यहाँ ब्लैंक है, अभी कुछ रिमार्क या बाकी सब चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं है। दोस्तों अपने देश में टोटल 482 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उसी तरह से ये भी एक यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है। और जैसे देखा जाए तो जो यूजीसी एक्ट है 1956 का, उसके सेक्शन 2F के तहत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाती है। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इस यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर चेक करेंगे, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, आप एडमिशन कैसे लेंगे। साथ ही जब भी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस तक पहुंचेगा, हम उस प्रोस्पेक्टस के साथ भी यूनिवर्सिटी के बारे में और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे, और साथ ही आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी को विजिट करने का मौका मिला तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे और पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी के जो भी वाइस चांसलर है, चांसलर या रजिस्ट्रार साहब के साथ। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें, हो सकता है इस यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको सजेशन दे सकें और आप अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी का और अच्छे कोर्स का चयन कर पाए। अब हम बात करते हैं ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, अब हम ये देख लेते हैं। आप सीधा जाइए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप आओगे दोस्तों, मैंने ना वेबसाइट जब भी पूरी देखी थी तो स्पेसिफिकली कहीं ये मेंशन नहीं है कि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल्स कौन कौन से हैं, उनके लेटर के साथ मेंशन या नहीं है, या हो भी तो हो सकता है हमारी कुछ गलती हो, उसे आप करेक्ट करना यहाँ पर, अगर कहीं पर दिख रहा है तो मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, पर हमें कहीं मिला नहीं स्पेसिफिक तरीके से। बट हाँ एकेडमिक में हम गए तो यहाँ पर डिटेल्स बाकी जरूर मिली हमें। डिटेल्स कैसे है कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्हें AICTE की मान्यता की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कॉलेजेस को जरूरत होती है, बट फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लेती हैं AICTE का अप्रूवल। फैकल्टी ऑफ फैशन डिजाइनिंग BDES, बहुत सारी आप इंक्वायरीज करते हैं हम लोगों से कि BDES में एडमिशन लेना चाहते हो बी डिजाइन, ये वही है दोस्तों। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ता है पहले। जितनी भी यूनिवर्सिटीज दोस्तों जब बनती हैं, तो जब वो यूनिवर्सिटी बनती हैं तो यूनिवर्सिटी शुरू में ही सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UGPG प्रोग्राम्स और PhD में एडमिशन ले सकती हैं, बाय डिफॉल्ट अप्रूवल मिल जाता है। बट जब यूनिवर्सिटी किसी काउंसिल कोर्स को कराना चाहती है तो उसे अप्रूवल लेना पड़ता है, ये वही एक काउंसिल कोर्स है जिसके लिए कि PCI का अप्रूवल लेना जरूरी है, तभी यूनिवर्सिटी बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी करा सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। नेक्स्ट कोर्स है फैकल्टी ऑफ लॉ, LLB, LLB, LLM, LLB करेंगे 3 साल या 5 साल, उसके लिए BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना जरूरी है। जैसे ही आप लॉ कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक AB का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक होता है, उसे देना पड़ेगा आपको, तभी आप वकील बन पाएंगे। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में कुछ कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है, इसका अप्रूवल मुश्किल ही शायद यूनिवर्सिटी के पास होगा, बट आप यूनिवर्सिटी का अप्रूवल मांगे तो मिलेगा। हालांकि इस यूनिवर्सिटी को कई बार हमने कॉल करने की कोशिश भी की तो वहां किसी ने कोई कॉल उठाया नहीं, व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी नहीं किया, तो इससे ज्यादा अपडेट इस यूनिवर्सिटी का मिल नहीं पाए। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, मतलब कि आप BA/BCom करना चाहते हैं या साइंस में BSc/MSc करना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, BCom करना चाहते हैं, MCom करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं या MBA करना चाहते हैं, उसके लिए है। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, दोस्तों नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब कि INC का अप्रूवल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है इसके अंदर, अगर INC का अप्रूवल नहीं है तो यूनिवर्सिटी कोर्स नहीं करा सकती। डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि सभी यूनिवर्सिटी, सभी जो भी कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी के लिस्ट पर है वो सभी पीएचडी करा सकते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी भी करा सकती है। फैकल्टी ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, मतलब कि दोस्तों इसके अंदर क्या है, तो होटल मतलब बहुत सारे कोर्स चलते हैं, बीएचएम कोर्स चलता है और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी चलता है, वो सब अलग अलग कोर्सेज होते हैं, उन पर भी कभी आए तो वीडियो लेकर आएंगे। पर इसमें यूनिवर्सिटी कुछ लोगों को, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बोला यूनिवर्सिटी ने कि हम लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो स्कॉलरशिप के बारे में भी आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं किस तरह की स्कॉलरशिप है, कैसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो ये डिटेल्स मिलेगी। इसी नंबर पे हमने कॉल किया था जहाँ पे हमें रिस्पांस नहीं मिला ठीक से। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल्स इस मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी रिसेंट अभी नई यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसलिए ज्यादा कुछ यूनिवर्सिटी के पास है नहीं, तो जब भी कभी यूनिवर्सिटी की और डिटेल्स या मेंशन होगी दोबारा वीडियो लेकर आएंगे, या फिर अगर यूनिवर्सिटी का विजिट लगा हम लोगों का तो विजिट करेंगे तब आपको बता पाएंगे, या फिर कोई इंटरव्यू हुआ, पॉडकास्ट हुआ तो भी आपको डिटेल में हम बताएंगे। और कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में दोस्तों हैं मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें, क्या सजेशन आप देना चाहते हैं सजेशंस दें। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पे मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सिटी कहां मेंशन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर ही सभी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में चलती है, सब इसके अंडर में ही आती है। मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आसपास की यूनिवर्सिटीज को भी देख लें, हो सकता है और इससे अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाए। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।